हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास फोर्थ इंग्लिश मीडियम। आज हम 2.3 एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल भी। तो एक क्वेश्चन इसका देखो, 92,090। तो देखो 92,000 इक्वल है ये 92,090। तो ग्रेटर देन क्या होगा? 92,090। इसी प्रकार से ध्यान दो, अब ग्रेटर देन 1,100,000 10,000 lakh 1,10,000 lakh 1,10,000 lakh 1,10,000। तो ग्रेटर देन क्या होगा? 5,000 1,10,000 5। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स देखो 1,20,000 10,000 lakh 1,20,000 10,000 lakh 1,21,000 इधर 21,000 है, इधर 20,000 है, तो 21,000 वाला ग्रेटर देन होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स डी है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 1635,070 1635,037, तो ये इक्वल होगा, तो इक्वल का सिंबल। इसी प्रकार से अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल से ग्रेटर देन, सबसे पहले स्मॉल उससे फिर ग्रेटर देन उससे स्मॉल। तो अब देखो 1,10,000 10,000 10,000 39 और उसके बाद 10,000। देखो इधर 1,10,000 10,000 27,000। तो हमारा 10,000 सबसे पहले एक आंसर में 10,000 39, उसके बाद 27,960 और इधर 16,940। तो 16,940 और उसके बाद 27,960। अब ध्यान दो,
1 lakh 10,000, 10,000 lakh, 1 lakh 60,000, 1 lakh 10,000, 10,000 lakh, 2 lakh 13,000. तो 1 lakh वाला समूह लगा 1,60,940, फिर 2,13,500. तो हम इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. इसका बी पॉइंट देखो, उसके बाद फिर देखो आगे बी में असेंडिंग ऑर्डर. असमोल नंबर 1 lakh 10,000, 10,000, 29,000, 1 lakh 10,000, 10,000. तो पहले 29,678, फिर ध्यान दो 1 lakh 10,000, 10,000 lakh, तो 1 lakh 10,000, 10,000, 31,107. अब उसके बाद देखो 1 lakh 10,000, 10,000 lakh, 2 lakh, 1 lakh 100,000, 10,000 lakh, 3 lakh, 1 lakh 100,000, 10,000 lakh, 3 lakh, तो 2 lakh वाली डिजिट पहले आएगी, तो 2,06,9,090. अब जान लो 3,01,090. अब हम देखो आगे डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर है वो इसका अपोजिट है. डिसेंडिंग ऑर्डर में One stands 100,000, 10,000, 55,500. तो हमारा पहले आएगा 55,505. ग्रेटर देन उसके बाद उससे लेस देन देखो. फिर
55,500 55,500 है, 55,000 उसके बाद देखो फिर 55,005 उसके बाद 50,550 और फिर 50,055 तो स्टूडेंट्स हम इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है वो आप खुद करोगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपके जो एमए हैं 97,360 ध्यान दो कठिन सर्किल करना है लार्जेस्ट नंबर पे 1,50,000 और उसके वंस टेंस 100,000 तो आपका लैक वाले डिजिट में देखना है। देखो वंस टेंस 100,000 लैक 1,420 और ये हमारा वंस टेंस 100,000 लैक 10,50,000 वंस टेंस 100,000 लैक 1,50,000 यहाँ देखो 1,10,00,000 है हमारा ग्रेटर देन ये होगा तो इस पर हम सर इन सर्किल करेंगे। इसी प्रकार से इसका बी ए स्टूडेंट्स वो आप खुद करोगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। जो आपको डिजिट दे रखी है उससे आप यूज करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की संख्या लिखोगे और यूज ओनली वन बार। राइट दी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट numbers using each only once four, five, seven, nine.
ये हमारे इसके समोलेस्ट डिजिट है। कोई इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो आगे के क्वेश्चन हैं हम वो आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करें। जैसे आपको पहला क्वेश्चन मैंने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का बताया, तो आप खुद करें। दूसरा था अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल से ग्रेटर देन, छोटे से बड़ा लिखना। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन था डिसेंडिंग ऑर्डर, अपोजिट था, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। और फिर फोर नंबर क्वेश्चन में था इन द सर्किल द लार्जेस्ट नंबर, जो इस डिजिट में लार्जेस्ट नंबर है उसको आपने इन सर्किल करना था। ए और बी में आप करोगे। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो फोर डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, जो आपको 0238 दे रखा है कि जीरो कभी भी पहले नहीं लिखा जाता। अगर पहले लिखा जाता है तो उस डिजिट का महत्व खत्म हो जाता है जीरो का। तो इस प्रकार से ये आपको फाइव क्वेश्चन जो करवाए हैं, आप स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी फेयर कॉपी में अध्ययन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।